Hello students, welcome to Edu Pride, Pride with Excellence, your solution for all competitive exam. This is Atul Mishra, your English faculty. आज हम लोग बात करते हैं synonyms के बारे में. पहली चीज, synonyms का मतलब होता है similar word, same नहीं. जैसे abandon का मतलब क्या होता है, किसी जगह को छोड़ देना या किसी कोशिश को छोड़ देना. Relinquish is leaving, but willingly, अपनी पसंद की. I relinquish this post. Give up, कोशिश करना छोड़ देना, टू स्टॉप ट्राइंग. एब्डिकेट, सीट के लिए. फॉरसेक, कंप्लीटली छोड़ देना. ही हैज फॉरसेकन हिज कंट्री. एंड क्विट, हमेशा के लिए, परमानेंट. इफ यू आर क्विटिंग इट, डोंट कमिंग बैक, इजंट इट क्लियर है? हैं सारे सिमिलर, बट अंतर है. एब्डक्ट होता है फोर्सफुली, किडनैप होता है उठा कर ले जाना, रन अवे भाग जाना. सिनोनिम है, सिमिलर नहीं है. अभोर होता है हेट करना. लोथ, टेस्ट से क्या बन गया, डिटेस्ट, जो स्वाद ना लगे. आई डिटेस्ट हिज प्रेजेंस, आई लोथ हिम. लाइक से डिसलाइक, वो भी हेट होता है. डिस्पाइस, पसंद ना करना. अबाइड इज टू लिव, टू स्टिक टू. ड्वेल, कहीं पर रहना होता है. वेट, देखिए इंतजार करना होता है, सिनोनिम है. लिव, रहना. स्टे, कहीं पर रहना. इनहिबिट, स्थान बनाना. कहते हैं अबाइड बाय द लॉ, लॉ अबाइडिंग सिटीजन है, तो लॉ लिविंग सिटीजन नहीं हो सकते हैं, इसलिए वो सिमिलर माने जाएंगे. एब्जर्ड होता है भद्दा, अजीब सा, फनी भी हो सकता है. इम्पॉसिबल, जो समझ में ही ना आए. स्टूपिड, इडियट होता है. सेंसलेस, जो सेंस की बात ना करे. एडवांटेज क्या होता है, किसी को किसी चीज का एडवांटेज है, फायदा है, राइट? एडवांटेज बहुत एब्स्ट्रैक्ट है, फील किया जा सकता है, बट प्रॉफिट और गेन, कुछ खरीदने बेचने से फायदा होगा. बेनिफिट, किसी स्कीम से फायदा. यूटिलिटी, कुछ यूटिलाइज करना. और हेल्प, काम का. सिमिलर होंगे, बार बार कह रहा हूं, सेम नहीं. एग्रेशन होता है कि आप कितनी एंग्रली, कितनी जोश के साथ आगे बढ़ते हैं अटैक करने के लिए, अटैक. इन्वेजन होता है फोर्सफुली एंटर करना. असॉल्ट होता है फिजिकली अटैक करना, इंजर करने के हिसाब से. ऑनस्लॉट होता है किसी को तबाह करने के अंदाज से, ऑनस्लॉट. अलार्म, अलार्म करना, किसी को चेतावनी देना, किससे, डेंजर से, राइट? टेरर, फ्राइट, फियर, पैनिक, ड्रेड, डेंजर, खतरा. अलार्मिंग सिचुएशन है तो डेंजरस है. टेरर, फियर होता है, डेंजरस हो गया. फ्राइट भी फियर होता है, फियर तो है ही. पैनिक होता है पूरी तरीके से डर जाना, और ड्रेड, अफ्रेड ऑफ समथिंग. एसेंट, एक चीज याद रखिएगा, एसेंट और ASSENT, एसेंट, ये एग्री होता है, ये होता है गो अप. एलिवेट, उठाना होता है, लिफ्ट करना. एसेंट होता है गो अप, राइज होता है ग्रो करना, लिफ्ट. मेट्रो कैसे बनी हुई है, एलिवेटेड कॉरिडोर पे, राइट? एपोलॉजी, माफी मांगना. तो एक्सक्यूज, किसी को एक्सक्यूज कर देना. रिग्रेट होता है पछताना, अपोलोजाइज करना. गलती पर रिग्रेट करते हैं इसलिए अपोलॉजी मांगते हैं. पार्डन होता है किसी को क्षमा कर देना, और प्ली होता है रिक्वेस्ट. बैनिश, बैन कर देना, राइट? एक्सपेल, निकाल देना होता है, सिमिलर वर्ड है. एक्साइल, देश से. डिसमिस, हटा ही देना. और डिबार, रोक देना, बार कर देना, सिमिलर वर्ड है, बार बार कह रहा हूं. बैटल, वॉर होता है. वॉर और बैटल में अंतर क्या होता है, बैटल छोटे प्लेस पर होता है, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ हल्दीघाटी, प्लेस के साथ. और वॉर, बड़े एरिया में लंबे समय तक. अंग्रेजी में कहते हैं यू मे लूज अ बैटल और टू, बट वॉट यू शुड नॉट लूज इज द वॉर. वॉर नहीं लूज करना चाहिए. एक आध लड़ाई, एक आध एग्जाम में ऊपर नीचे हो सकता है. फाइट, सिमिलर है, झगड़ना होता है. एनकाउंटर होता है सामना करना. कॉन्फ्लिक्ट, झगड़ा होता है. कॉम्बैट, टेक्टिक होती है, जब दो प्लान वे में झगड़ा करते हैं, प्लानिंग करके. कॉम्बैट स्किल्स होती है, कॉम्बैट रूल होते हैं. सिमिलर है फिर भी हेयरलाइन, इसलिए सिनोनिम. ब्यूटिफुल, ऑब्जेक्ट के लिए हैंडसम. मैन के लिए प्रिटी, वुमेन के लिए. चार्मिंग होता है अट्रैक्टिव, लवली, गुड लुकिंग. बिलीफ, भरोसा होता है. बिलीफ, ये मानकर चलना कोई चीज सच है या नहीं. फेथ, इन बॉर्न बिलीफ होता है. ट्रस्ट, समय के साथ बिलीफ जो डेवलप होता है. कॉन्फिडेंस, खुद पर बिलीफ होता है. देयर आर सिमिलर अगेन, सेम नहीं. ब्रीफ होता है किसी चीज को छोटे में कर बताना, ब्रीफली किसी को एक्सप्लेन करना. कंसाइज, उसका साइज कम करना. टर्स, एग्जैक्ट टर्म्स में बताना. कंडेंस, थिक कर देना.
कंडेंसेशन करना और कॉम्पैक्ट, उसको छोटा बना देना कॉम्पैक्ट में। बिल्ड, बिल्डिंग से बना हुआ है। मेक, बनाना होता है कंस्ट्रक्शन, चीजों को कंस्ट्रक्ट करते हैं। इरेक्ट, रेस करना होता है, उठाना। कैंडिड विच इज फ्रेंक, नथिंग इज हिडन, फ्रेंक है। आउटस्पोकन, जो खुद को बोल दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड। और ब्लंट, जो ब्लंटली बगैर लाग लपेट के बात कह दे। क्लियर है? फ्रेंक, आउटस्पोकन, ब्लंट और स्ट्रेट फॉरवर्ड कैंडिड के सिमिलर वर्ड्स हैं। कैप्चर, पकड़ना होता है, तो सीज का मतलब भी पकड़ना होता है। एप्रीहेंड, अरेस्ट करना, ताकत के दम पर अरेस्ट पुलिस करती है। ट्रैप, जाल बिछाकर उसको फंसाना। ग्रैस्प, समझ में आना। स्नेयरिंग, होल्डिंग। कैप्चर के सिनोनिम हुए सीज, एप्रीहेंड, अरेस्ट, ट्रैप, ग्रैस्प, स्नेयर। चैंपियन, किसी चीज का विनर, किसी चीज में बहुत ज्यादा एक्सेल करने वाला। तो यहां पर सपोर्टर, चैंपियन ऑफ पीपल राइट, तो लोगों के काम में सबसे आगे रहता है। डिफेंडर, डिफेंड करने वाला। प्रोटेक्टर, प्रोटेक्ट करने वाला। चेस्ट होता है एकदम पवित्र, तो क्लीन, प्योर। डिफाइल होता है इम्प्योर। वर्च्यूस होता है, हु इज वर्च्यू, गुड क्वालिटीज। सिमिलर है चेस्ट के, बार बार क्या कह रहा हूं, सेम नहीं है। सिमिलर और सेम अलग अलग होते हैं। कमेंड होता है किसी की तरफ, कमेंडेबल टास्क, तारीफ करना। प्रेज, किसी की जनरल तारीफ करना। एडमायर, किसी के अचीवमेंट की, किसी के एफर्ट की, किसी की पर्सनालिटी की तारीफ। अप्लॉड, किसी की परफॉर्मेंस के लिए। और अप्रूव, किसी की बात को मानना, अप्रूव करना। कमेंड के सिनोनिम है ये, प्रेज, एडमायर, अप्लॉड, अप्रूव। कंसील होता हाइड, छुपाना। हाइड वर्ब है, कंसील वर्ब है। व्हील होता है पर्दा, तभी तो व्हील का अपोजिट क्या था, अनव्हील। श्राउड, किसी के टुकड़ों के पीछे छुप जाना। डिस्गाइज, भेष बदलना। और कवर, ढक देना। कॉन्टिन्यूटी, लगातार जुड़ा रहना। कोहेजन, जुड़ा रहना होता है। कनेक्ट, जुड़ा रहना होता है। टेनेशियसनेस, जो टेनेसिटी हो, स्टिक टू, चिपका रहे। सेम है, कॉन्टिन्यूटी, लगातार एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। कनेक्ट, वही चीज। अटैच, अनेक्स, जोड़ना होता है। टैग, चिपकाना, लगना। क्लिप, क्लिप से रोकना होता है। कॉन्टैक्ट, टच में रहना। कॉन्स्टिट्यूट, बनाना होता है, तो कंपोज, किसी चीज के लिए कंपोजिशन, के अलग अलग चीजों से मिलकर बना हो। फॉर्म, उसको शेप देना। मेक, बनाना होता है कंस्ट्रक्ट, एक एक लेयर बनाना। ऑर्गेनाइज, प्रॉपरली उसको रखना। और बिल्ड, ये अपने कॉन्स्टिट्यूट भी तो यहां पर बिल्ड का सेम है, अभी आपने बिल्ड पढ़ा, सेम चीज। कॉपी, किसी की कॉपी करना। रिप्रोडक्शन, वैसा ही, रेप्लिका, डिट्टो वैसा ही बना देना। रिप्रोडक्शन जनरेट करने से है। फैसिमाइल, एग्जैक्ट कॉपी होती है। और ट्रेसिंग, उसको ट्रेस करना, कहां पर है वो, कॉपी नहीं हो गया, उसको पीछे पीछे जाना इन अवे, राइट। क्यूरियल, ये पोप का कोर्ट था, अब कोर्ट में क्या होगा, जस्टिस। इंक्विजिशनल, जो क्वेश्चन में हो, जिस पर बहस हो रही हो। डैंडी होता है स्टाइलिश, कॉक्सकॉम, कंप्लीटली स्टाइलिश, कंसीडेड। और फॉप होता है जो अच्छे कपड़े पहनने का आदि हो, हु टेंड टू वियर गुड क्लोथ्स। और कॉक्सकॉम, कंसीडेड, जिसको इस बात पर कहते हैं ना, वेल्थ का जो घमंड होता है, अ रिच मैन, दिस इज फाइन टेस्ट। फॉप, हु हैज, हु वियर्स कॉस्टली क्लोथ्स। डेंजरस, खतरनाक होता है। ड्रेडफुल, फॉर दैट क्रिएट्स फियर, fearsome, awesome, same. deceit, धोखा देना होता है। conceit, deceit. fraud, जो लोगों को चीट करते हैं पैसों के लिए। bluff, किसी को गलत बात कहकर बहकाना, bluffing होती है। guile, बेवकूफ बनाना, guile से ही तो word बना है, be guile, बेवकूफ बन जाना। knavery, knave होता है simplicity, knavery, जो आपको simplicity के कारण आप जो ठगे जाते हैं। डैम, किसी को कर्स करना होता है, कर्स, स्वियर, ओथ लेना होता है। स्कोल्ड, डांटना, डिनाउंस, किसी को क्रिटिसाइज करना या निंदा करना, उसके सिमिलर वर्ड्स है। डिफाइंट, किसी चीज को ना मानना। डेयरिंग, करेजियस होता है। प्रोवोकेटिव, जो लोगों को उकसा सके। बेलिकोज, जो झगड़ने को तैयार रहे। और बोल्ड, करेजियस, डिफाइंड के सिमिलर है, सेम नहीं। डेटी होता है गॉड, जो आपका मेन गॉड हो, तो ओमनीपोटेंस गॉड के लिए होता है।
प्रोविडेंस जो गॉड क्रिएट करता है और गॉड तो खुद है, प्रोविडेंस जो हमें सब चीजों के लिए प्रोवाइड करते हैं एंड दैट इज नथिंग बट गॉड, ओमनीपोटेंस इनके पास सारी ताकत है, दैट इज अगेन नथिंग बट गॉड, और गॉड तो है ही है. डेलिकेसी इज टेस्ट, सॉफ्ट स्मूथनेस, डेलिकेट हो, सॉफ्ट हो, लाइट हो, एलिगेंट स्टाइलिश हो. डिमाइस इज डेथ, डिसीज हु इज डाइड, इटर्नल रेस्ट हमेशा के लिए रेस्ट पे चला गया, तो इस डेड हमेशा के लिए सो गया, एक्सपायर जो उसने अपनी लाइफ जी ली हो, आउटडेटेड हो चुका हो. डेविल, डिवाइन का अपोजिट, गॉड का अपोजिट डेविल होता है. फीडिश, फीड डेविल होता है. डीमन राक्षस होता है, शैतान, इस्लाम में शैतान का टर्म, डिविल को शैतान बोलते हैं. सैटन, डिवॉइड एम्प्टी, खाली किसी चीज से, तो लैक करना, कम होना. एग्जेम्प्ट फ्रॉम, किसी चीज को छोड़ देना. इम्यून फ्रॉम, किसी को इम्यूनिटी हो कि उस पर असर पड़ेगा ही नहीं इस चीज का, और एम्प्टी खाली है. Isn't it? तो लैक, कमी के सेंस में. डिस्क्लोज, क्लोज से अपोजिट डिस्क्लोज, उजागर करना. रिवील, एक्सपोज, अनवील. डेटी, अब देखिए कंसील का कहां चला गया, कंसील का एंटोनिम भी तो बन गया लगे यहां तो. डिस्क्लोज ये एंटोनिम हो गए सारे, रिवील उजागर करना, एक्सप्लोज अनवील पर्दा, पर्दा हटाना, अनफोल्ड फोल्ड हटाना, कुछ और निकल के आएगा. डिसफिगर, फिगर डिसफिगर, किसी को खराब करना, डिफॉर्म उसकी फॉर्म चेंज करना, क्रिपल हाथ पैर काट देना, मेम काट छाट करना, डीफेस फेस खराब करना. सिमिलर है येट अपोजिट है. अब ये कंस्ट्रक्ट के अपोजिट बन सकते हैं, कंस्ट्रक्ट या बिल्ड के, तो एंटोनिम भी हो जाएगा और सिनोनिम भी हो जाएगा, उन वर्ड्स को साथ में कर लेंगे तो. डिसजॉइन, जॉइन का अपोजिट डिसजॉइन, अलग अलग कर देना. तो देखिए ना, यूनाइट से डिसयूनाइट, एसोसिएट से डिसएसोसिएट, डिवोर्स अलग होना होता है, पार्ट अलग होना होता है, सेवर होता है टू कट, राइट. अब कोहेजन का, आपने कोहेजन या कॉन्टिन्यूटी का मतलब क्या होता है, जुड़ा हुआ होना, उसका अपोजिट हो गया ये है. कोहेजन वाले वर्ड देखिए, आपने कॉन्टिन्यूटी वाला वर्ड पढ़ा होगा ऊपर कहीं, राइट. कॉन्स्टिट्यूट और कॉन्टिन्यूटी, उनके अपोजिट हो गए. लाइक डिसलाइक, हेट करना, रिपग्नेंस किसी चीज के खिलाफ पसंद ना करना, दूर जाना, रिपग्नेशन होना. टेस्ट से डिटेस्ट बन गया, लोथ से लोदिंग बन गया. किसी चीज को पसंद ना करना, डिस्टेंट दूर होना, रिमोट दूर से काम करना, फार अवे बहुत दूर, एब्सेंट दूर रहने वाला. डिवाइन होली होता है, अब वही चीज, डेविल अभी आपने पढ़ा था, डेविल अपोजिट क्या बन गया, डिवाइन. डिवाइन प्योर होता है, होली सेंक्टिफाइड सेक्रेट सेलेस्टियल गॉडली, उसका अपोजिट, डेविल का अपोजिट डिवाइन होता है. अर्नेस्ट होता है सिंसियरली, तो सीरियस सोलेमनाइज इंप्रेसिव, सिंसियरली काम करना. अर्नेस्ट. इसेंट्रिसिटी होता है क्रेजीनेस पागलपन, ऑड अजीब तरीके से, एनोमली जहां पे एक सिमिलैरिटी ना हो, अजीब सा गड़बड़ चल रहा हो. पिक्यूलियर होता है स्ट्रेंज, एक्सेप्शन जो ऑर्डिनरी ना हो, जो सबके जैसा ना हो, एक्सेप्शनल है. तो क्रेजीनेस के अपोजिट होते हैं. एक्लेसिस्टिकल होता है रिलेटेड टू चर्च और क्लर्जी, तो देखिए ना, एक्लेसिस्टिक चर्च से रिलेटेड, चर्चली. थियोक्रेटिक, चर्च में किसकी बात होगी, गॉड की. थियोक्रेटिक जो गॉड से रिलेटेड हो. एफ्लुएंस जिसके अंदर बहुत ज्यादा पैसा हो, घमंड हो, तो एरोगेंस. हॉटीनेस शेमलेसनेस एफ्लुएंस होता है. एंचेंट किसी को मंत्र से मुग्ध कर लेना, मंत्र से पकड़ लेना. फैसिनेट चार्म कैप्टिवेट एंड कैप्चर, और ये कहीं ना कहीं हेट के या रिपग्नेंस के अपोजिट हो जाएंगे. हेट के रिपग्नेंस के अपोजिट हो जाएंगे, उसमें नफरत करना होता है, इसमें अट्रैक्ट करना है, चार्म करना है. एलिवेशन उठाना, रेस करना, तो एमिनेंस ऊंचाई पर पाना. लॉफ्ट उठाना होता है. सबलाइम अचानक से बदल जाना, चेंज होना, सीधे गैस से सॉलिड से सीधे गैस बन जाना, तो चेंज. हाइट ऊंचाई होता है, तो उठाने से ही तो गया. एंड होता है लास्ट फाइनल. टर्मिनल टर्मिनेट होना, लास्ट तो है ये, अल्टीमेट का मतलब भी फाइनल होता है,
और एक्सट्रीम एकदम लास्ट में जाकर, उसके बाद कुछ नहीं, मैक्सिमम। एंडोर्स होता है अपनाना। बहुत सारे प्लेयर्स, बहुत सारे क्रिकेटर्स, बहुत सारे प्रोडक्ट्स को क्या करते हैं, एंडोर्स करते हैं, उसको मानते हैं, अप्रूव करते हैं, उसको पास ऑन कर देते हैं, रेटिफाई, उसको ग्रेड करते हैं, से एग्री करते हैं और उसको ऑर्डेन करते हैं। ऑर्डेन इज समहाउ यू आर टेकिंग इनटू इन एन ऑर्डर एंड एक्सेप्टिंग इट अलोंग। इनॉर्मस इज ह्यूज, बिग, इमेंस, बहुत ज्यादा, वास्ट, ह्यूज साइज, कोलोसल, अ वेरी ह्यूज स्टैच्यू, मोन्यूमेंटल, मोन्यूमेंट से वेरी बिग। एनरेज, रेज से बना वर्ड है, एनरेज होता है गुस्सा दिलाना, तो अपसेट करना, डिसकंपोज करना, रफल, हिला देना, इरिटेट कर देना, क्लियर है। अगेन बार बार मैं क्या कह रहा हूं, वो सिनोनिम्स हैं, सिमिलर हैं, सेम नहीं है, इक्विलिब्रियम, इक्वल, बराबर, ना कम ना ज्यादा, तो इक्विपॉइज, एक जैसा पॉइज रहना, बैलेंस में रहना, तराजू की तरह है, स्टेडीनेस, बहुत ज्यादा हिलना डुलना नहीं, और पॉइस, इक्विपॉइस से बना हुआ है, एकदम कंपोजर बना के रखना। इरोटिक, बहुत ज्यादा एक कहते हैं सेंसुअस स्टोरीज, एफ्रोसीडियक होता है, बहुत ज्यादा जो आपके सेंसुअसनेस को बढ़ावा दें। इरोटोजेनिक तो हुई क्या, एमोटरी होता है जो मॉरली ना हो, एमोटर हो, इलिसिट लव करता हो। एक्सीलेंट, नाइस, तो ओवरवेलमिंग, बहुत ज्यादा, स्प्लेंडेड, वंडरफुल, एक्सट्रीमली गुड, टू गुड, उसी से मिलते हुए वर्ड। एग्जिस्टेंस, रहना, तो लाइफ है क्या, बीइंग, बने रहना, प्रेजेंस, कहीं पर उपस्थित होना। एक्सटेम्पेरी, एक्स होता है आउट, एक्सटेम्पेरी, अचानक से, तो एट वंस, तुरंत, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट, जैसे ही मौका मिले। इम्प्रॉम्प्टू इज विदाउट डिले, बगैर देरी किए हुए। एथनिक होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप का, जैसे एथनिसिटी है, एथनिक कल्चर है। ज्यूस को जब मारा गया था, कहते हैं एथनिक क्लेंजिंग थी, कश्मीरी पंडितों के साथ जो हुआ उसको अक्सर एथनिक क्लेंजिंग कहते हैं। 84 में भी कई बार एथनिक क्लेंजिंग टर्म यूज करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर रेस का, ट्राइब का, नेशन का, या क्लैन, क्लैन होता है एक पर्टिकुलर फैमिली। फेम, प्रसिद्धि, रेप्यूटेशन, ग्लोरी, यश जिसको बोलते हैं, रिनोन, जाना पहचाना। फैट, स्टाउट, जिसकी बॉडी वेल बिल्ड हो। प्लम्प, कहते ना छोटा बट थोड़ा सा हेल्दी सा। ओबीस, ओवरवेट होता है, चबी, इसकी चीक्स वगैरह बहुत लटके हों। फ्लैशी, इसमें बहुत ज्यादा फ्लैश हो। तो अलग अलग चीजें होती हैं, फिर भी सिमिलर मानकर चलते हैं। फैटीग होता है टायर्डनेस, बीमारियां आपको क्या देती हैं, फैटीग। काम से क्या आता है, वियरीनेस। चलने से क्या आता है, टायर्डनेस। और कुछ बेमन का काम करने से आप क्या हो जाते हैं, एग्जॉस्ट। या खेलने से क्या होते हैं, एग्जॉस्ट। फीबल, विच इज नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग, वीक, फ्रेल। लैंग्वेज होता है परेशान होना, राइट, बहुत ज्यादा ताकत नहीं। फेंट, बहुत गाढ़ा नहीं, डल नहीं, हल्का सा। और वीक तो कमजोर होता ही होता है। फर्वेंट होता है बहुत ज्यादा जोश में, पैशनेट, इंटेंस, अर्नेस्ट, इम्पैशन, पैशन के साथ करने वाले। पैशनेट, इम्पैशन समझ में आएगा। अर्नेस्ट होता है विद अटमोस्ट सिंसियरली, इंटेंस, बहुत ज्यादा जोश के साथ इंटेंसली काम करने वाला। फिकल होता है जो एक जगह ना टिका रहे, फिकल माइंडेड है, स्टेशनरी नहीं है, तो चेंजेबल है। वेवर होता है हिलना डुलना। रिजोल्यूट, अपनी बात पर टिके रहने वाला। इरिजोल्यूट, जो बात पे ना टिके। स्टडी, एक जैसी चाल, अनस्टडी, अलग अलग देश में। फर्स्ट, पहला होता है, तो इनिशियल, सबसे पहले। फोरमोस्ट, सबसे आगे, स्टार्टिंग, शुरू वाला। चीफ, सबसे इंपॉर्टेंट, प्राइमरी, पहला। फ्लैटर होता है चापलूस, साइकोफेंट होता है जो राजनीतिक चापलूसी करे, चमचागिरी। एड्यूलेटर, जो एड्यूलेट करे, बहुत ज्यादा प्रशंसा करे। हैंगर ऑन, किसी बात पर हैंग करते रहना, बार बार चापलूसी के पीछे भागते रहना। फॉरगिव होता है माफ करना, माफ करने के लिए। प्लैकेबल, किसी को शांत करना। कंडेमनिंग, क्रिटिसाइज करना। अनरिसेंटफुल, जिसके अंदर पछतावा ना, माफ करना। फॉरेनर होता है जो लोकल ना हो, बाहर का हो, एलियन हो, आउट ऑफ द बॉडी, स्ट्रेंज, जिसके बारे में पता ना हो। जो लैंड से ना हो वो आउटलैंडेस है, जो देश से ना हो वो एक्सपेट्रिएट है, राइट। ये सारे फिर से क्या बन गया फॉरेनर के, एलियन, स्ट्रेंज, आउटलैंडेस, एक्सपेट्रिएट, ये सारे फॉरेनर के सिनोनिम है। फ्रिजिड, जमा हुआ, फ्रिज से, फ्रोजन। कोल्ड,
और अनफीलिंग कुछ महसूस ही ना हो, फील ही ना हो बहुत। फ्रक्टिफाई किसी को फ्रूट में कन्वर्ट करना, फ्रूटफुल होना, जनरेट करना, इम्प्रेग्नेट करना, किसी को प्रेग्नेंट बनाना और मल्टीप्लाई करना, राइट जनरेशन से। गैबल इज टॉकिंग, जैबर बड़बड़ाने वाला, चैटर पता है, प्रैटलिंग क्लियर ना बोलने वाला, ट्रेडलिंग बैबलिंग होती है, सही से बात ना करने वाला। जनरलाइज जनरल करने वाला, ब्रॉडन बड़े स्पेक्ट में सारी चीजें आ जाएंगी, वाइडन भी वही होता है। यूनिवर्सलाइज पूरा यूनिवर्सलाइज कर देंगे तो एक कॉमन स्टेटमेंट हो जाएगा। गिवन किसी चीज को, कोई चीज मिली हुई है, किसी को कुछ मिला हुआ। बेस्टोड, गॉड हैज बेस्टोड हिम, गिवन हिम टैलेंट, गिफ्टेड गिफ्ट किया हुआ है। ग्रैचिशुअस जिसको जो अपना ग्रेटिट्यूड दिखाता है, और ग्रेटेस्ट ग्रांटेड। ग्लटनी होता है बहुत ज़्यादा खाने की इच्छा होना, ग्लटन एक तरीके का एंजाइम होता है जो शायद भूख बढ़ाता है, तो बहुत सारी चीज़ें आज की डेट में ग्लटन फ्री आती हैं। ग्रीडीनेस वही लालच, रेपेसिटी एक्सेसिव ईटिंग हैबिट, इनसेटिएबल सेटिएबिलिटी होती है जहाँ भूख शांत करना, इनसेटिएबल जो भूख शांति ना हो जिसकी, और वोरेसिटी वोरस होता है ईटिंग जिसके खाने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो। ग्रेव होता है सीरियस, सोबर नाइस, सोलेमन सीडेट जो काम रहे, स्टेट जो स्टडी रहे, डेम्यूर जो अपना पोस्चर मेंटेन करे, और स्टर्न स्ट्रिक्ट। सारे क्या हो गए फिर से सिमिलर हैं। ग्रेस्प पकड़ना होता है, टॉपिक को होल्ड करना, सीज स्नैच तो छीनना हो जाएगा, ग्रिप पकड़ बनाना होता है, ग्रैब झपट्टा मारना होता है। हरास किसी को परेशान करना तो ट्रबल हो जाएगा, अफ्लिक्ट किसी को परेशान, इन्फ्लिक्ट डालना होता है, इन्फ्लिक्टिंग पेन। हीदन जो मॉरल से दूर चला जाए, अमोरलिस्ट हो जो मटेरियल की बात करे, वर्ल्डली चीजों की, एरोगेंट हो और अनसिविलाइज्ड हो। हुडविंग छल, किसी को धोखा देना, छलना, ड्यूप भी वही होता है, पजल होता है, कंफ्यूज करना, डिसीव धोखा देना होता है, लीड एस्ट्रे कोई एक प्रॉपर लाइफ नहीं, इधर से उधर घूमते रहना। हम्बल्ड मॉडेस्ट हो जाना, डिग्रेड कहीं ना कहीं कह सकते हैं, डिग्रेड होना किसी की बेइज्जती हो जाना, विदर्ड विदरिंग होना उसको डीके करना, और टार्निश इमेज खराब होना होता है। हाइम श्लोक को बोलते हैं, श्लोका रिलीजियस है इसलिए लिरिक सॉन्ग की जैसे सैम रिटन में एंथम या पेन रिलीजियस सिंग के लिए यूज करते हैं। हाइपोक्राइट होता है शो ऑफ, जो शो करता हो, तो प्रिटेंडर भी तो वही है, फेक जो रियल नहीं है, लॉयल नहीं है वो डिसलॉयल है। इमिटेट कॉपी करना होता है, एप होते हैं मंकीज क्या करते हैं कॉपी, मिमिक किसी की आवाज कॉपी करना, इको वो बाद में बार बार सुनाई देना, मिरर जो मिरर दिखाता है वो कॉपी होती है, मिरर रिफ्लेक्शन होता है, रिफ्लेक्ट करना, टकरा कर वापस आना, सारे फिर से क्या बन जाएंगे सिनोनिम्स। एप्ट होता है प्रॉपर वे में करना, इनएप्टीट्यूड अनस्किल्ड होना, तो अनफिट होना, inappropriate होना, incompetent होना, सीधी सी चीज है। aptitude का oppose similar, unfit ही तो का, apt होगा proper और exact, unfit जो fit ना हो। indict किसी में कोई चीज डालना, impeach करना किसी का महाभियोग, arraign हटाना, denounce होता है criticize करना, chair किसी के बारे में extreme criticism देना, और accuse तो आपको उसको accuse करना हो गया। inimical होता है लाइक एनिमी, तो अनफ्रेंडली अपोज सिंपैथी से अनसिंपैथेटिक, बेलिजरेंट वो होता है जो लड़ने को तैयार रहता है। इनोसेंट मासूम होता है, तो ब्लेमलेस जिस पर कोई ब्लेम ना हो, सिनलेस जिसमें कोई पाप ना किया हो, गिल्टलेस जिसका कोई दोष ना हो। ब्लेमलेस सिनलेस गिल्टलेस। इंटेग्रिटी होता है, इसको कहते हैं इंटीग्रल होना, अखंड होना, तो ऑनेस्टी ऑनेस्ट होना, सिंसियरली काम करना। प्रोब होता है जस्ट, ट्रूथफुल ट्रूथफुलनेस। इनटॉलरेबल जो टॉलरेट ना किया जाए, इनसफरेबल जो सफर ना हो, बर्दाश्त ना हो, इन अनइंडोरेबल जो कष्ट बर्दाश्त ना हो सके, अनबियरेबल जो टॉलरेट ना किया जा सके। जॉली इज हैप्पी, तो मैरी इज हैप्पी। जुबिलेंट बहुत ज़्यादा खुश होना, लाइवली फुल ऑफ लाइफ होना, फेस्टिव जैसे फेस्टिवल में जो खुशी होती है, गे इज हैप्पीनेस। किनशिप इज रिलेशनशिप, अलायंस हो सकते हैं या टाई ऑफ ऑफ ब्लड भी हो सकते हैं। नॉलेज ज्ञान होता है, वो इंफॉर्मेशन हो सकती है, अनलाइटेडमेंट
ज्ञान की प्राप्ति मिलना, लर्निंग सीखना होता, अटेनमेंट्स कुछ अचीव करना, लैक्स कमी होना, तो लूज स्लैक डिसऑर्गेनाइज्ड, ध्यान ना देना। मिडिल क्लास फ्रेंच वर्ड है, बॉर्ग्योज वो फ्रेंच वर्ड मिडिल क्लास के लिए यूज करते हैं, मिस कैरी, कैरी प्रॉपरली ना करना, अचानक से छोड़ देना, एबॉर्ट कर देना, फेल हो जाना या फिजल आउट, धीरे धीरे उसको पूरे मंजिल तक ना पहुंच पाना, बीच में ही कहीं। मिक्सचर होता है मिलना, तो मिंगल भी मिलना होता है, ब्लेंड मिलाना होता है, कॉम्बिनेशन दो चीजें मिलकर बनती हैं। नेटिव ऑफ वंस बर्थ प्लेस, तो इंडिजीनियस किसी लोकल जगह का, ओरिजिनल, इनब्रेड जो एक ही जगह पला बड़ा हो, रियल हो, प्रिमिटिव हो तो प्राइम हो, शुरू से हो, नेसेसरी होता है जो जरूरी हो किसी जगह के लिए, दैट इज नीडफुल, रिक्वायर्ड होगा, नीड होगी, इंडिस्पेंसिबल जिससे अलग नहीं किया जाए, कश्मीर इंडिया का इंडिस्पेंसिबल पार्ट है, एक्सपेडिएंट विदाउट विच यू कैन नॉट सर्वाइव, एंड रिक्विजिट विच इज रिक्वायर्ड। सो देखिए एक बेसिक सी बात है, सिनोनिम्स सिमिलर वर्ड होते हैं, सेम नहीं, पहले तो इंडिविजुअल वर्ड का मीनिंग फाइंड आउट करिए, फिर उनको एक जगह क्लब कर लीजिए। बड़ी मुश्किल से मैं एक काम कर पाया हूँ, वोकैबुलरी और ग्रामर को क्लब कर पाया हूँ, जो हम लोग नियर फ्यूचर में जरूर सीखेंगे। टिल देन एंजॉय योरसेल्फ, हैव नाइस टाइम एंड कीप फॉलोइंग अस, लाइक सब्सक्राइब एंड फॉलो अस, एंजॉय योरसेल्फ।